जेठानी को देवरानी ने हराया। नवादा में पिछली बार देवर की बदौलत बनी थी मुखिया, इस बार घर में बंटवारा पर अब भारी। मंदिर के पास बैठे पुजारी को पिकअप ने पूछा मौत। गोपालगंज में सड़क पर रखे बालू के कारण अनियंत्रित हुआ पिकअप, पुजारी को मारी टक्कर। मुजफ्फरपुर में सब्जी विक्रेता की संदिग्ध मौत पर बवाल, मुआवजे के लिए हंगामा। पुलिस बोली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा मरने का कारण। किसान कानून वापसी पर फिर गरमाएगी राजनीति, सत्ता से लेकर विपक्ष से बनाएगा मुद्दा। राजनीतिक पंडित बोले बिहार पर नहीं पड़ेगा असर। गोपालगंज में सांप ने दो मासूमों को डसा, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, जहरीले सांप ने हाथ में काटा। नालंदा में शराब पकड़ने गई पुलिस पर रोड़ेबाजी, हमले में चौकीदार समेत चार पुलिस वाले जख्मी, अंधेरे में भागे हमलावर। कृषि बिल पर बोले तो तेज प्रताप ट्रोल हो गए, तेज ने कहा थूक कर चाटना इसी को कहते हैं, ट्रोलर बोले आप भी पार्टी में ऐसे ही हैं। अब शराब तस्करी रोकने के लिए व्हील स्कैनर मॉडल, मुजफ्फरपुर में हाजीपुर दरभंगा और समस्तीपुर जाने वाले हाईवे पर लगाने की कवायद, वाहनों के गुजरते ही करेगा स्कैन। नालंदा में सिलेंडर विस्फोट में घर ध्वस्त, चाय बनाने के दौरान फटा सिलेंडर, परिवार सुरक्षित, दो दिन पहले खरीदा गया था सिलेंडर। आईआईटी बेटा के शुभम को 80 लाख का पैकेज, खगड़िया के बेटे को गूगल ने दिया ऑफर, काम के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। जज पर हमला करने वाले थानेदार दरोगा डीएमसीएच में भर्ती, दरभंगा पुलिस लेगी दोनों का बयान, बचाव में मधुबनी एसपी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदी में डूबने से तीन बहनों की मौत, खेत पर जाने के दौरान पैर फिसलने से नदी में गिरी बहन, बचाने के दौरान दो और डूबी। तीन महीने से फरार चल रहा हथियार तस्कर धराया, पहले भी बाइक चोरी में जा चुका है जेल, अब करता था आर्म्स की सप्लाई। मधुबनी में सड़क हादसे में युवक की मौत, दो बाइक आमने सामने टकराई, एक ने रास्ते में दम तोड़ा, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अतिक्रमण हटाओ विशेष अभियान, मुजफ्फरपुर के सरैयागंज से सिकंदरपुर अखाड़ा घाट तक चला बुलडोजर, 100 से अधिक दुकानों का कब्जा हटा।